हाय हाय गाइस, जैसे क्या देख रहे हैं, टॉस हुआ है, हमने टेल लिया, हम जीते। अब पहले बॉलिंग करेंगे, उनके पास भी बहुत अच्छी टीम है, कम नहीं है। लेकिन फिर हमारे पास भी कैरन पोलार्ड, ब्रावो चैंपियन थे सारे, क्रिस गेल द फेस्ट। हम पहले देवेंद्र विश्व को देंगे कि वो अपनी स्पिन घुमाए, आकर गुडलिया विकेट ले। मार्टिन कप्तान बेहतरीन बैट्समैन, बोले बड़ा बॉल, पहली ही बॉल पे पहली गिल्ला। और अगली गेंद, और ये अगली गेंद, बॉल, व्हाट अ बॉलिंग। देवेंद्र बिश्यू ने तो कप्तान को भी ड्रेसिंग रूम में बैठा दिया है। और अभी अगली गुगली हैट्रिक बॉल, तीन बॉल है, तीन विकेट, व्हाट अ। रॉस टेलर भी आउट, कॉटन बोल्ड, देवेंद्र बिश्यू हैट्रिक तो ले चुके हैं, बहुत अच्छी हैट्रिक ली है इन्होंने। स्पिनर टॉम लेथम आउट, दैट बिल्कुल चौथी बॉल चौथा आउट। क्या ओवर हुआ है, ऐसा लग रहा था कि ये आउट नहीं होगा, लेकिन फिर आउट दे दिया, आउट हो गया। देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। वो बॉल नहीं है, फेयर डिलीवरी है। और ये लाइन, पिचिंग इन लाइन, आउट। न्यूजीलैंड पहला रिव्यू लॉस्ट। हालांकि टॉम लेथम ने कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं किया था इनको न्यूजीलैंड में, ओवर में तो ऐसा लग रहा है कि विकेट की बरसात हो रही है। देवेंद्र बिश्यू ने तो किसी बैट्समैन को अपने आगे टिकने ही नहीं दे रहे हैं। और ये हेनरी निकल जाए, बॉल्ट, हेनरी निकल्स को भी नहीं बढ़ने दिया, कहा नहीं आज मेरा दिन है। उन्होंने कहा वो भी मारना चाहते थे, कॉलन डी क्रैम, ग्रैंड होमी, ये आए हैं सारी उपटे ही। और ये बहुत अच्छा ओवर, एक डॉट बॉल बाकी सब विपटे हैं। अगला ओवर देखते हैं क्या होता है। अगला ओवर, और कल मनरू स्ट्रेट खेला, कजीन लगा। और अगली गेंद, आउट दैट, बिल्कुल बिल्कुल 100%, व्हाट आउट गाइस। कॉलिन मनरू ओपनर, अब आ देखते हैं वो रिव्यू लेंगे क्या नहीं। टीम बहुत खतरे में है, बिल्कुल रिव्यू लेंगे, वरना अगर ये भी आउट हो गए इस ओवर में तो इनकी टीम लग जाएगी। बहुत अच्छी लाइन ऑफ लेंथ है आज वेस्ट इंडीज़ की, वेस्ट इंडीज़ की लाइन ऑफ लेंथ बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा है। वेस्ट इंडीज़ के आज दोनों स्पिनर्स ने दोनों ओवर में विकेट ली है, और ये छठी विकेट गिर चुकी है अगर ये आउट होता है। बिल्कुल रिव्यू लॉस्ट हो गए इनके, देखे कैसे गए गाइस, आप रिव्यू इनके लॉस्ट हो गए हैं सारे। और ये आउट हो गए कॉलर मनरो भी, मिचेल सेंटर आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। बोल्ड हिम, व्हाट अ लाइन ऑफ लेंथ, सात आउट हो गए हैं। अच्छी बॉलिंग, ऐसा लग रहा है कि आज न्यूजीलैंड के प्लेयर्स कुछ खा के नहीं आए हैं, खाली पेट आ गए हैं। आउट दैट, बिल्कुल नहीं नहीं, हम रिव्यू नहीं लेंगे गाइस, क्योंकि हमें रिव्यू इधर आने की जरूरत नहीं है। अच्छी, काफ़ी अच्छी गेनिंग कर रहे हैं ये टीम। साउथी ने एक बॉल चौबैट की है, इससे पहले तो बहुत अच्छे ओवर हुए हैं, रोक ली उन्होंने। इस ओवर में भी दो विकटें आ चुकी हैं, सात विकटें ले चुके हैं टोटल इस इनिंग में। वेस्ट इंडीज़ की टीम अनप्रिडिक्टेबल,
लग तो बिल्कुल भी नहीं रहा था पहले ओवर में विकेट गई, और ये बहुत अच्छा ओवर में दो विकेट और एक मेडन हो गया। और फिर देवेंद्र बिशू आ गए हैं कॉलिन डिग्रैमी को खेलने, बोल्डिंग कॉलिन डिग्रैमी से भी संभला नहीं किया और वो भी पवेलियन चले गए। आज तो न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप ऐसा लग रहा है कि, और इस सूदी जो बॉलर है स्पिनर को खेल सकता है रोका और नगे भी बोल लो जाते कॉल हैंडीग्रामी सब 0-0 कॉलिन मनरो मार्टिन गप्तिल कैप्टन केन विलियमसन सब बेहतरीन बैट्समैन। और कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी था गाइस जिसमें पाकिस्तान ने 2 रन से फतह हासिल की है। ऐसा लग रहा था एक वक्त न्यूजीलैंड आसानी से टारगेट चेस कर लेगा जब उनके 6 ओवर में 50 रन कोई नुकसान नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो बहुत अच्छी है। शाहीन शिनवारी ने मैच बचा लिया था आउट बिल्कुल, हसन अली ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी आखिरी ओवर में 17 रन दरकार थे जिसमें फिर उसके बाद आखिरी बॉल पे 7 रन दरकार थे और फिर पाकिस्तान ने संभल लेना दिया न्यूजीलैंड को और 2 रन से शिकस्त दे दी आखिरी बॉल पे, चौका हुआ था आखिरी विकेट इनकी ट्रेंट बोल्ट। अगर 0 पे पूरी टीम आउट हो जाए तो देवेंद्र बिश्व तो मैन ऑफ द मैच बनेंगे ही। 1 रन हो ही गया, काफी अच्छा खेल रहे हैं और अगला ओवर फिर एशली नर्स को लाएंगे गाइस हम, क्योंकि एक विकेट बची है और एशली नर्स को एक विकेट लेनी है और मैच अपने हाथ में है, लेकिन छक्का हो गया है। और गाइस मज़े की बात आज स्पिन अटैक ही लिया है, 2 बॉल पर 2 छक्के मार दिए हैं भाई, बहुत फायर पे आ गए। ट्रेंट बोल्ट बॉलर है लेकिन बैट्समैन वाला रोल पहला प्ले कर रहे हैं रोकी, बहुत अच्छी गेंद आखिरी विकेट है इनकी है न्यूजीलैंड बॉल। हर बार की तरह नहीं है इस बार बोल्ड कर दिया है देवेंद्र बिशू ने 7 विकेट लेकर एक भी रन नहीं दिया और अब एक राइट एक लेफ्टी गेल। बहुत बड़े बैट्समैन जिन्होंने 175 रन आईपीएल में स्कोर किए थे और ये अच्छा शॉट कैच हो जाएगा ये बिल्कुल होप ही हिट सिक्स बहुत तेज बॉल 2 रन बन गए। तीसरे के लिए भागना चाहते थे लेकिन नहीं भाग सके बॉल फील्डर के हाथों में। अगली गेंद होप ने 2 रन तो चुरा लिए हैं अच्छी तरह के और ये काफ़ी अच्छी गेंद खेला नहीं गया लेकिन उनसे काफ़ी बेहतर खेल रहे हैं हम क्योंकि उनके तो विकेट पर विकेट जा रही थी। देवेंद्र बिश्व ने तो आज कमाल ही कर दिया है और ये बहुत अच्छा चौका 6 रन हो गए हैं 8 रन दरकार है हमें 8 रन देखते हैं कैसे बनेंगे। और शाही होप भी ख़त्म कर सकते हैं शायद ये मैच और ये शाही अपने बल्ला घुमाया और ये बड़ा चक्का पर 12 रन हो चुके हैं 2 रन की दरकार 2 रन की ज़रूरत है सिर्फ इस मैच को अपनी मुट्ठी में लेने की। अगली ओवर की अगली गेंद शेनन हेडमेयर वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी एक भी रन नहीं एक बॉल भी खेली नहीं उन्होंने बहुत अच्छी गेंद देखते हैं अगली गेंद है गाइस क्या होता है और ये आउट होगा क्या ये नहीं बच गए और गाइस काफ़ी अच्छी गेंद है ये इसको कौन सी दिशा में खेला जाए
बहुत अच्छा शॉट जिससे इस मैच की एंडिंग होती है। और गाइस अगर आपको हम जीत चुके हैं ये मैच, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हम आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो ना मिले। गाइस अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारे मैन ऑफ द मैच देवेंद्र बिशू, जैसे मैंने कहा था 7 विकेट लिए, एक रन भी नहीं दिया है। और गाइस अल्लाह हाफिज़ तब तक के लिए, और आज मैं शायद एक वीडियो और डालूं। ओके गाइस अल्लाह हाफिज़।